नमस्कार समस्त मो ना प्रियदर्शिनी मुनि और मोर चैनल टीएम्स लाइसेंस को स्वागत करुच्ची। आज टॉपिक रे हमें डिस्कशन करवा टिश्यू फिक्सेशन विषय में। प्रीवियस पार्ट रे हमें देखी थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऊपर एंड होपफुली आपन से किसी वैल्युएबल इनफॉर्मेशन मिली थी। तो वर्तमान आम देखा टिश्यू फिक्सेशन। एक्चुअली प्रीवियस पार्ट रे जब देखुं 2018 क्वेश्चन रे टिश्यू फिक्सेशन ऊपर कौन से क्वेश्चन आसी ना, तो मे बी आम एक्सपेक्ट करदे पार कि यथर लाइक 2021 कि क्वेश्चन मे बी आसी पारे। सो मुझे चेष्टा करी कि जहाँ भी आम टिश्यू फिक्सेशन टाइप्स रही गोटे सिंप्लीफाइड वे रे रिप्रेजेंट करने। एंड टिश्यू फिक्सेशन आपर माइक्रोटोमी गोटे पार्ट, जमीक माइक्रोटोमी आम खास करके डिफरेंट टिश्यू मानक अब्जर्व कर पतला पतला सेक्शन नहीं कि अब्जर्व कराए। अब्जर्व करार पूर्व प्रथम स्टेप आसी जाए फिक्सेशन एंड फिक्सेशन पर जाकि डिफरेन्ट टाइप मेथड्स रही जो थे पाराफ्लिंग ब्लॉक सांगे एम्बेडेड करके देन कट करके देन तार स्टेनिंग प्रोसेसेस कंप्लीट कराए एंड बाकी जिनस रोचे। बट माइक्रोटोमी प्रथम पार्ट तो आप फिक्सेशन रू स्टार्ट करेंगे। एंड जिते बड़े टिश्यू फिक्सेशन कहु तो आमको प्रथम तो यहाँ गोटे आईडिया रहा दरकार कि कौ टाइप टिश्यू को फिक्स कराए एंड सेकेंड रही कौ के टाइप फिक्सेशन मेथड्स रही डिस्कशन करवा। तो साधारणतः जब आप टाइप्स अफ टिश्यू को देखुं देन आपको दुईटा प्रकार कैटेगरी आप देखी पारे, जमीक गोटे आसीज आपर हार्ट टिश्यू। हार्ट टिश्यू में खास करके बोन कि टीथ आसीज एपंक कौन से प्रकार फिक्सेटिव को आड करने दरकार नहीं कि कौन से प्रकार प्रिजर्वेशन ये जगह दरकार नहीं, बिकज बोन कि टीथ्र जो प्रकार कंपोजिशन रही डिग्रेडेशन हुए ना जोटा कि आम जाने भल भाव में एंड गोटे लंबा टाइम पीरियड पर्यटन से टाइप ही मेन्टेन होती। बट जिते बड़े आप सॉफ्ट टिश्यूज को देखुं जमीक स्किन है और मसल्स है इन डिग्रेडेशन हो जाए बहुत कम टाइम भितर इन्हें डिग्रेड होगा स्टार्ट कर दिखती एंड वन्सर डिग्रेडेशन होगा देन आपको रिकवर करें। तो से जदि गोटे पर्टिकुलर टिश्यू कि गोटे पर्टिकुलर अर्गन को आप अब्जर्व करने को चाहते, सो बेस्ट पार्ट यहाँ रहा कि वन्स अर्गानिजम डेथ है और वन्स आप गोटे डेड टिश्यू को कलेक्ट करूँ देन सांगे सांगे फिक्सेटिव सल्यूशन भितर डिप करा दरकार। एंड फिक्सेटिव सल्यूशन रेजर काम है कि सी फर्दर चेंजेस को प्रिभेन्ट कर दिए जेको प्रकार चेंजेस हो सब प्रकार चेंजेस को प्रिभेन्ट करदेव। तो प्रथम तो आम गोटे डिस्कसन करवा कि मेजरली कौन कौन चेंजेस एक्जाक्टली हुए गोटे जो लिविंग सेल डेथ हो जाए कि गोटे लिविंग टिश्यूर कि गोटे अर्गानिजम डेथ हुए तो कौन कौन एक्जाक्टली चेंजेस हुए, जमीक डिहाइड्रेशन हम एक्सेसिवली ड्राए हो जा प्रॉब्लम देन ऑटो कैटालाइसिस दैट मीन्स जहाँ भी आपंकर प्रोटीन कंटेंट रही कि बायोमोलिक्यूल्स रही से डिग्रेडेशन हो जा देन डिकम्पोजिशन वायरल अटैक रहा कि फंगस अटैक रहा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानक इन्फेक्शन्स रहा जोटा कि कॉमन देन ये सब जिन द्वारा आपंकर सेल रेप कि साइज चेंजेस आसे। तो मेन करके आमको करार कौन अच्छी फिक्सेशन प्रोसेस द्वारा ये सबू एक्टिविटीज को आम गोटे टाइप प्रिभेन्ट करदे पार दैट मीन्स जोटा नैचुराली जो कंडीशन रे टिश्यू थिला कि जो नैचुराली जो कंडीशन रे गोटे पर्टिकुलर ऑर्गन थिला आम से कंडीशन को मेंटेन करने चेष्टा करवा फिक्सेशन प्रोसेस थ्रू जहाद्वारा सेल रे किसी मेजर चेंजेस आसीब ना। वन्स द सेल डेड है मैंने कि चेंजेस तो आसो निहाती भाव में, बट फिक्सेशन प्रोसेस द्वारा आम से मैक्सिमम चेंजेस मानक अवॉइड करदे पार। तो फिक्सेशन रोटे मेजर ट्राए एटा थाए कि नेचुरल कंडीशन रे सेल टिश्यूर सिचुएशन जहाँ थी आम से सिचुएशन को भी टिके मेंटेन करके रखा, तो जहाँ से मेंटेन करवा जो ये सब कंडीशन को आम अवॉइड करवा बिकज ये सब जिनस हेल्ले तो ऑटोमेटिकली सेल और टिश्यू भितर चेंजेस आसो। तो आम यू जिनस को आम फॉलोअप करवाक पड़ो जो आम फिक्सेशन प्रोसेस करूचे ठीक अच्छे। तो नॉर्मली जिते आप फिक्सेशन एप्लीकेशन देखुचे एक तो प्रिजर्वेशन करदे पारे, सेकेंड जिनस ऑटो कैटालिसिस है कि डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट कर दे पारे। सेकेंड नेक्स्ट पार्ट है जेहेतु फिक्सेशन आम माइक्रोटोमी गोटे पार्ट, तो निहाती भाव में आमको स्टेनिंग प्रोसेस को भी फॉलोअप करार अच्छी। तो फिक्सेशन आम एमती टाइप रहा कि स्टेनिंग सल्यूशन को जमी से अब्जर्व करवा कंडीशन रहा ना कि एक्सेसिवली ड्राए, जमीक सपोज कर दिखाते गोटे टिश्यू जब एक्सेसिवली ड्राए होगा तो से कौन से स्टेनिंग सल्यूशन को ही अब्जर्व करेंगे एंड आप टिश्यू को अब्जर्व करदे पारे, तो से स्टेनिंग प्रोसेस को अलाउ करवा दरकार। एंड सहित ओब्वियसली पूरा सॉफ्ट कंडीशन आमको मेंटेन करके रखबार ना टिके टिश्यूर हार्डनिंग भी जरूरी सो दैट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानकर अटैक हम ना, बट गोटे लिमिटेशन भितर नॉट एक्सेसिवली हार्डनिंग बट प्रॉपर एक्सेसिवली सॉफ्ट टिश्यू भी आम ठीक नुह। ओके देन आम देखा नेक्स्ट फिक्सेशन टाइप्स।
नंबर वन आसी इमर्शन फिक्सेशन परफ्यूजन फिक्सेशन वेपर फिक्सेशन कोटिंग और स्प्रेइंग फिक्सेशन देन फ्रीज फिक्सेशन और माइक्रोवेव फिक्सेशन तो जिते टाइप सब फिक्सेशन अच्छे वन बै वन कर डिस्कशन करवा इमर्शन फिक्सेशन रान है कौन इमर्शन मैंने आप गोटे जिनस गोटे डीप करके रखुं कौन से जिन जगह तो आम इमर्शन भी कहीदार तो जदि आप फिक्सेटिव सल्यूशन अच्छी आईदर आप टीस्यूर सेक्शन को नहीं पारे जमीक माइक्रोटोमी पर आमको एमती टीस्यूर सेक्शन मिलता है तो एमती टाइप्र गोटे टीस्यूर सेक्शन को गोटे स्लाइड्रे आटाच करके आप कौन प्रकार फिक्सेटिव सल्यूशन भितर एमती डीप करके रखीदे पारे किदि आप गोटे अर्गान अच्छी ऑर्गन जहाँ भी पार्ट्स रही डायरेक्टली माने बिना कटिंग रे डायरेक्टली आपन डिप करके रखी दे पारे गोटे टाइप रो फिक्सेटिव सॉल्यूशन रे बट मेक श्योर कि से ऑर्गन तार साइज बहुत छोटो होगा दरकार कि आपन गोटे ऑर्गन रो गोटे छोटो पार्ट नहीं पारे बट एंटायरली बड़ ऑर्गन्स मान को आम डिप करके रखी पारा नहीं बिकज से किसी कम हम ना ठीक से बिकज सबुआड़ तार इफेक्ट भी ये भल रही तो ऑर्गन रो साइज जिते छोट हम इवन स्लाइड उपर जो आप टीस्यूर सेक्शन नहींटा जिते पतला हम जिते थीन हम से फिक्सेशन से इजी हम आमको तो से आईदर आप थीन सेक्शन निदी आप पूरा होल टीस्यू नौ तो से तार साइज को छोट साइज जब मेन्टेन हो पड़े देन से बेटर रही फिक्सेटिव सल्यूशन में खास करके फॉर्मेलिन यूज करदे पार कि आम गोटे टाइप अल्कोहल को यूज करदे पार खास करके एब्सोल्यूट अल्कोहल्स मानक यूज कराए फिक्सेशन प्रोसेस रे देन आम नेक्स्ट देखा परफ्यूजन फिक्सेशन परफ्यूजन मैंने जिते बड़े आप गोटे ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स को कि ऑर्गेनिज्म पार्ट्स बॉडी पार्ट्स को आपड़ा फिक्स करूँ वाया ब्लड वेसल तो जमीक ब्लड वेसल रि आप अरेंजमेंट देखिए देन थ्रू आउट द बॉडी आर डिस्ट्रीब्यूशन रही एंड वन्स जब आप ब्लड वेसल भितर किसी भी जिनस इंजेक्ट करूँ देन बिना कौन से बैरियर रे ये थ्रू आउट द बॉडी जोटा अच्छे से डिस्ट्रब्यूट हो जापर तो आम ये कौन करदे पार आम फिक्सेटिव सल्यूशन को आम इंजेक्ट करदे ब्लड वेसल्स भितर कि आप हार्ट भितर ताको इंजेक्ट करदे पारे जमीक डायग्रामेटिकली आप देखिपे तो आम बाया इंट्रावेनस आई मीन बाया सर्टन मेकानिजम आम कौन करदे पार हार्ट्रे इंट्रोड्यूस करदे पार एंड वन्स ये हार्ट्रे तो इंट्रोड्यूस मैंने आप ब्लड वेसल भितर एटा को इंट्रोड्यूस करेंगे सो वन्स एटा इंट्रोड्यूस होगा देन से थ्रू आउट द बॉडी यार डिस्ट्रीब्यूशन रहा एंड सहित आम कि सालाइन सल्यूशन को पुट करदे पार सो दैट कि गोटे टेम्पररी टाइम आम पीएच को मेन्टेन करके रखीदे पार एंड वन्स ये फिक्सेटिव सल्यूशन बॉडी भितर इंजेक्ट है देन थ्रू आउट द बॉडी से डिस्ट्रीब्यूट होंड वन्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा देन ऑटोमेटिकली जहाँ भी टीस्यूज रही कि जहाँ भी बॉडी ऑर्गन्स मैंने अच्छा कि जहाँ भी बॉडी पार्ट्स रही आज सच से ही कंडीशन रे ही मेन्टेन होकर रही है से फर्दर डिग्रेडेशन आब ना तो जेहतु आम आपको ब्लड फ्लो थ्रू रे जिनसक फिक्स करूचे देन आम परफ्यूजन फिक्सेशन भी कहीदार देन नेक्स्ट आसी जाऊँ वेपर फिक्सेशन आम जो प्रकार फिक्सेटिव्स मानक यूटिलाइज करूचे आम लिक्विड स्टेट्रे नुह रादर आम वेपर स्टेट्रे यूज करवा जमीक परफ्यूजन में आम लिक्विड स्टेट्रे फिक्सेशन यूज करते फिक्सेटिव्स यूज करते इवन इमर्शन में भी आम फिक्सेटिव को लिक्विड कंडीशन में यूज करते वेपर फिक्सेशन मैंने जो फिक्सेटिव आप नौकर वेपर फॉर्म में यूटिलाइज करेंगे तो खास करके फॉर्मल डिहाइड को आम 50-80 डिग्री सेल्सियस पर्यटन आम हीट अफ करदे पार इवन एसिटाल डिहाइड को हीट अफ करदे पार जिते पर्यटन से वेपराइज कंडीशन को आसी ना एंड वन्स से वेपराइज कंडीशन को आसगला देन यू कैन यूज दैट वेपर विथ लाइक टीस्यू सेक्शन और द होल टीस्यू पार्ट लाइक पूरा ऑर्गन सहित भी आपको यूज करदे पारे देन नेक्स्ट आसी जाऊँगी फ्रीज फिक्सेशन फ्रीज मैंने तो ये बुझीपे आपको लो टेम्परेचर सहित किसी काम करार अच्छे तो लो टेम्परेचर मैंने खास करके आमको ये लिक्विड नाइट्रोजेन इनवॉल्वमेंट आमको ये देखा मिली तो आपरे जब कौन से टीस्यूर सेक्शन अच्छी कि गोटे छोट टीस्यूर पार्ट अच्छी आप लिक्विड नाइट्रोजेन भितर इमर्ज कर दिंतु एंड वन्स इमर्जड होगा देन ऑटोमेटिकली जहाँ भी तार मानने सिचुएसन थाए से कम्प्लीटली फ्री नॉर्मली फ्रीज मैंने तो आप बुझे ही पार्थे मैंने कन्स्टांट रही तार फिजिकल कंडीशन और केमिकल कंडीशन से जगह से फ्रीज हो गला देन नेक्स्ट आम पार्ट आसीज वेपराइज कंडीशन में आम फिक्सेशन करदे पार तो वन्स आप गोटे कंडीशन को कन्स्टांट करदे एंड देन आप फिक्सेशन करेंगे नेक्स्ट आसीगला माइक्रोवेव फिक्सेशन माइक्रोवेव रे खास करके आम हीट इन प्रोसेस थ्रू रे फिक्सेशन करदे पार तो जहाँ भी आपंकर फिक्सेशन रही जब आप हिट करूँ देन से फिक्सेशन प्रोसेस टी एनहांस हो जाए एंड जिते आम हिटिंग प्रोसेस को इनवल्व करूचे गोटे फिक्सेशन आक्टिविटीज भितर आम माइक्रोवेव फिक्सेशन भी कही
ଦେଇପାରିବା। ଓକେ, ଜେନେରାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଫିକ୍ସେଟିଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆମେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଇକ୍ରୋଟୋମି ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଲ୍ୟାବ୍ରେ କେବେ କରିଥିବେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଖାସ୍ କରିକି ଆଲକୋହଲର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିଥାଉ, ଇଭିନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଡିଆଇଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଜେନେରାଲି ଯଦି ଆପଣ କମନ୍ ଫିକ୍ସେଟିଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଖିବେ, ସୋ ଫର୍ମାଲ୍ ଡିହାଇଡ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ 10% ଫର୍ମାଲ୍ ଡିହାଇଡ୍ କିମ୍ବା ଫର୍ମାଲିନ୍ ଆପଣ କହିଦେଇପାରିବେ ଏକା ଜିନିଷ ରହିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଇଭିନ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଆଲକୋହଲକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଏସିଟୋନ୍ ରହିଛି, ମର୍କ୍ୟୁରି କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ରହିଛି, ପୋଟାସିୟମ୍ ଡାଇକ୍ରୋମେଟ୍, ଦେନ୍ ଅସ୍ମିୟମ୍ ଟେଟ୍ରାକ୍ସାଇଡ୍, ଦେନ୍ ପିକ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଦେନ୍ କ୍ରୋମିକ୍ ଏସିଡ୍। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ସର୍ଟନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସମ୍ କମନ୍ ଫିକ୍ସେଟିଭ୍ ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର କ୍ଲାରିଟି ଆସିଥିବ କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଫିକ୍ସେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ। ତ ଫିକ୍ସେସନ୍ର ମେଜର୍ ମାନେ ଏହା ହେଲା କି ତା'ର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲା କିମ୍ବା କେମିକାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲା, ଯେମିତି ବେଶୀ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନ ଆସୁ ସେଥିରେ, ଲାଇକ୍ ଲିଭିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଟିସୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ୍ର ଯାହା ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ତା'ର ନର୍ମାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଥିଲା, ଫିଜିକାଲ କିମ୍ବା କେମିକାଲ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଥିଲା, ଫିକ୍ସେସନ୍ ପରେ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିଦେଇପାରିବା ସେଇ ଟିସୁକୁ। ଆମେ ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ବି କରିଦେଇପାରିବା, ଆମେ ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତା'ର ଯାହା ବି ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆଭେଲେବିଲିଟି ରହିଲା କିମ୍ବା ଲିପିଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଲା ଅର୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଲା, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇପାରିବା, ବିକଜ୍ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟେନିଂ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟେନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଦେଇପାରିବା। ସୋ ଫିକ୍ସେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏସବୁ ରହିଲା କିଛିଟା ଜେନେରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯଦି କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣ ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ସୋ ଯେହେତୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିନଥିଲା ଫିକ୍ସେଟିଭ୍ ଟିସୁ ଫିକ୍ସେସନ୍ ଉପରେ, ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ମେ ବି ଆମେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବା କି 2021ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଫିକ୍ସେଟିଭ୍ ଉପରେ, ଲାଇକ୍ ଟିସୁ ଫିକ୍ସେସନ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିପାରେ। ସୋ ହୋପ୍ଫୁଲି ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଲା ଆଣ୍ଡ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଲା, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇପାରିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରି ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ, ବାଏ ବାଏ।